चैप्टर नंबर टू में हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिस्कस कर रहे थे, उनकी प्रॉपर्टीज की थी हमने कुछ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर सेवन, सिक्स तक हम डिस्कस कर चुके हैं। सेवंथ प्रॉपर्टी है टू टेन इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इन्वर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वेयर, एक्स इज ग्रेटर टू माइनस वन एंड लेस देन वन। नेक्स्ट है टू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन एंड लेस देन इक्वल टू वन। नेक्स्ट है टू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये प्रॉपर्टीज है हमारी, इनमें हम ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले का ही यूज करेंगे। तो जो फर्स्ट है उसको करते हैं हम। देखो यहां पर टू लग रहा है सबके, तो इसको थीटा मान लेंगे तो क्या बन जाएगा, टू थीटा। और ये टेन इनवर्स इधर से ही गया है, टेन टू थीटा का फॉर्मूला है ये साइन टू थीटा का है, ये कोस टू थीटा का, इनसे बने हैं। तो टेन इनवर्स एक्स को हम थीटा मानेंगे, लेट एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन थीटा। थीटा जो है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होगा क्योंकि इनवर्स डिफाइंड है, तो टेन टू थीटा की वैल्यू निकालेंगे हम। टेन टू थीटा की वैल्यू होगी टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वेयर थीटा। टेन थीटा की वैल्यू रखेंगे तो टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वेयर, ये है। अब देखो इनवर्स बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर इनवर्स फंक्शन जब ही बनेगा जब ये एंगल है किस में चला जाए, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में, क्योंकि वो हमने कैसे बना रखी है उसके ऊपर फंक्शन क्या बनता है, वन वन और ओन टू। तो फंक्शन का इनवर्स बनने के लिए वन वन ओन टू होना जरूरी है। तो वन वन ओन टू के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में जाना चाहिए। टेंजेंट की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है टेन इनवर्स की, ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। तो टू थीटा की वैल्यू अगर उसमें चली जाती है तो हम इनवर्स बना देंगे। ये हर एक क्वेश्चन में काम हमारा, उसका इनवर्स बनाते वक्त जो एंगल साथ में है वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में जाना चाहिए और उसमें गिवन कंडीशन से जाएगा। मीन्स ये टू टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वेयर जब ही होगा इसके इक्वल, ये जब एक्स की वैल्यू माइनस वन और वन के बीच में हो। तो एक्स की वैल्यू हमारे हमें गिवन है माइनस वन से ग्रेटर और वन से लेस, एक्स किसके इक्वल है टेन थीटा के, टेन थीटा माइनस वन से ग्रेटर वन से लेस। टेन थीटा की वैल्यू वन कहाँ होती है, पाई बाई फोर पर, और टेन थीटा की वैल्यू माइनस वन कहाँ होती है, माइनस पाई बाई फोर पर। तो थीटा की वैल्यू आ गई माइनस पाई बाई फोर से पाई बाई फोर। टू थीटा के लिए टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, टू इंटू माइनस पाई बाई फोर लेस देन टू थीटा लेस देन टू इंटू पाई बाई फोर। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस पाई बाई टू से लेकर पाई बाई टू, टू थीटा की। ये क्या है, टेन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की रेंज है ये, ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। तो एंगल की वैल्यू उसी में है तो इसका इनवर्स बन जाएगा और ये बनेगा टू थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वेयर। थीटा की वैल्यू रख देंगे टू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वेयर, ये आ गया हमारे पास। तो ये फॉर्मूला हो गया, लेकिन एक्स किसके अंदर होना चाहिए, माइनस वन से ग्रेटर और वन से लेस। इसी तरीके से नेक्स्ट जो पार्ट है सेकंड, उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज किया गया है, साइन टू थीटा का यूज किया गया है। टेन इनवर्स एक्स को थीटा ही मानेंगे और ये अगला पार्ट साइन टू थीटा से सोल्व होगा, टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वेयर थीटा। उससे अगला कोस टू थीटा से सोल्व होगा, वन माइनस टेन स्क्वेयर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वेयर थीटा। इनवर्स बनाने वक्त ये ध्यान रखना है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में जानी चाहिए जब इनवर्स डिफाइंड होगा।
ये सेकंड और थर्ड के लिए यूज हो रहे हैं इसमें और उनसे प्रूव हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 8, टू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। साइन इनवर्स 2x इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 बाई रूट 2 एंड लेस देन इक्वल टू 1 बाई रूट 2। और दूसरा है 2 कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स 2x स्क्वेयर माइनस 1, 2x स्क्वेयर माइनस 1 और एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। तो ये प्रॉपर्टी तो बनी है साइन 2 थीटा के फॉर्मूले से और ये बनी है कोस 2 थीटा के फॉर्मूले से। बस इनवर्स बनाते वक्त उसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ले जाना पड़ेगा, क्योंकि इनवर्स जब ही डिफाइंड होगा जब फंक्शन 1 1 और 1 2 हो, तो 1 1 और 1 2 के लिए हमने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बना रखी है, उसमें अगर होगा तो अपने आप इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ये हम स्टडी कर चुके हैं फर्स्ट एक्सरसाइज से पहले। तो पहले वाले को कर रहे हैं, पहले पार्ट को साइन इनवर्स एक्स को हम थीटा मानेंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा, और साइन इनवर्स अगर बन रहा है तो थीटा की वैल्यू किससे बाहर नहीं जा सकती, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के अंदर ही रहनी पड़ेगी थीटा को, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में रेंज है वो उसमें साइन इनवर्स की, क्योंकि जब ये इनवर्स बन रहा है, कोई इनवर्स डिफाइंड जब भी होता है जब फंक्शन 1 1 और 1 2, और 1 1 और 1 2 के लिए हमने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बना रखी है। अब हमें साइन 2 थीटा चाहिए, साइन 2 थीटा क्या होगा, 2 साइन थीटा कोस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू एक्स है तो मैं कोस थीटा की वैल्यू निकालूंगा, कोस थीटा की वैल्यू होती है रूट 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, ये प्लस माइनस होती है लेकिन माइनस नहीं होगा यहां पर, क्योंकि थीटा किससे बिलोंग कर रहा है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट है इसमें, तो कोस की वैल्यू क्या आएगी यहां पर पॉजिटिव, और ये हो जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, तो कोस थीटा की वैल्यू ये आ गई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर और साइन थीटा की आ गई। बस अब एक काम बचा है हमारा, 2 थीटा को प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ले जाना, अगर उसमें चला गया तो इनवर्स बन जाएगा। तो ये थीटा की सहायता जाएगा जो एक्स की वैल्यू गिवन है ना उससे पहुंचाएंगे, एक्स किसके अंदर होना चाहिए माइनस 1/√2 से बड़ा और 1/√2 से छोटा हो एक्स की वैल्यू, तो ही ये फॉर्मूला होल्ड करता है कि ये वैल्यू इसके इक्वल होती है। एक्स की वैल्यू है साइन थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1/√2 लेस देन इक्वल टू 1/√2। साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 कहाँ होती है, पाई बाई 4 पर होती है, और माइनस 1/√2 कहाँ होती है, माइनस पाई बाई 4 पर होती है, तो थीटा की वैल्यू आगे माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4। अब 2 थीटा के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी टू थीटा आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई बाई टू एंड लेस देन इक्वल टू पाई बाई टू। पाई बाई 4 था माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू वैल्यू आ गई 2 थीटा की, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की वैल्यू है साइन की, साइन इनवर्स की, तो ये 2 थीटा इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में जा रहा है तो इसका इनवर्स भी बन जाएगा, और इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। यहां पर हम थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे तो 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ये प्रूव हो गया। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट है। अब नाइन्थ प्रॉपर्टी है थ्री साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, और एक्स की वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1/2 एंड लेस देन इक्वल टू 1/2। थ्री कोस इनवर्स एक्स है कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, इसका उल्टा होता है क्योंकि ये साइन 3 थीटा के फॉर्मूले से है और ये कोस 3 थीटा के फॉर्मूले से है,
एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 एंड लेस देन इक्वल टू 1। 3 tan इनवर्स x की वैल्यू होती है tan इनवर्स 3x - x³ 1 - 3x² x greater to -1/√3 एंड लेस टू 1/√3। ये हो गया जैसे। तो फर्स्ट को कर रहे हैं हम साइन इनवर्स एक्स कॉम्पूट करेंगे थीटा, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा, क्योंकि इनवर्स बन रहा है तो फंक्शन से ही बना होगा, तो फंक्शन में हम लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। अब हमें वैल्यू चाहिए साइन थ्री थीटा की, क्योंकि थ्री है सब में, तो थ्री थीटा की फॉर्मूला है ये साइन इनवर्स का मतलब साइन थ्री थीटा है, ये कोस इनवर्स का मतलब कोस थ्री थीटा से आएगा, ये टेन इनवर्स का मतलब टेन थ्री थीटा से आएगा। जो इधर जो इनवर्स है वो हम बढ़ाएंगे, तो साइन थ्री थीटा से करेंगे, पहले वाला जो आएगा वो साइन थ्री थीटा से आएगा। साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला होता है 3 sin θ - 4 sin³θ। साइन थीटा की वैल्यू एक्स है तो ये बन गया। अब बस हमारा यही काम बचा है फिर से कि 3θ है वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में जाना चाहिए। 3θ अगर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में जाता है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा और साइन इनवर्स बन जाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो 3θ को हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ले जा रहे हैं। एक्स कहाँ से कहाँ है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2 एंड लेस देन इक्वल टू 1/2। एक्स किसके इक्वल है, साइन थीटा के। तो हम देखेंगे साइन थीटा की वैल्यू -1/2 से ग्रेटर है और 1/2 से लेस है, तो थीटा की वैल्यू किससे लेस देन इक्वल टू होगी, π/6 से, और किससे ग्रेटर देन इक्वल टू होगी, -π/6 से। तो ये आ गया हमारा, हमें 3θ की वैल्यू चाहिए तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × −π/6 लेस देन इक्वल टू 3θ लेस देन इक्वल टू 3π/6, तो कैंसिल कर देंगे, इधर भी कैंसिल कर देंगे, तो 3θ की वैल्यू -π/2 से ग्रेटर और π/2 से लेस हो गई। तो ये -π/2 से π/2 के अंदर है वैल्यू 3θ की, तो इसका इनवर्स बन जाएगा और ये वैल्यू आएगी 3θ = sin inverse 3x - 4x³। इनवर्स एग्जिस्ट कर गया, थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स, तो ये आ गया हमारे पास साइन इनवर्स 3x - 4x³। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट करना है और थर्ड पार्ट। सेकंड पार्ट किससे आएगा, इसी तरीके से साइन 3θ से आया है, ये किससे आएगा, कोस 3θ से। कोस 3θ में फॉर्मूला उल्टा हो जाता है, ऊपर वाला 4cos³θ - 3cos³θ से हो जाएगा, और ये टेन 3θ से आएगा, 3tan θ - 10³θ / 1 - 3tan²θ। तो ये हो गया हमारी 9th प्रॉपर्टी। अब हम डिस्कस कर रहे हैं 10th प्रॉपर्टी, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इंटू √1 - y² प्लस वाई इंटू √1 - x² इफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज लेस देन इक्वल टू 1 और एक्स वाई इज लेस देन 0। दूसरा केस है इसमें बीच में माइनस हो, तो साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई साइन इनवर्स एक्स इंटू √1 - y² माइनस वाई इंटू √1 - x². इसमें भी कंडीशन है x² + y² इज लेस देन इक्वल टू 1 और xy > 0। तो ये सब चीज़ें होंगी तो ये इसके इक्वल होगा, और ये होंगी तो ये इसके इक्वल होगा। तो ये फॉर्मूले जो हमारे पास है, ये तो साइन ए प्लस बी से बने हैं, ये बने हैं साइन ए माइनस बी से, बस बात इनवर्स ले जाने की, इधर साइन इनवर्स गया है तो साइन ए प्लस बी से बने हैं, ये भी साइन ए माइनस बी से। इनवर्स जब जाएगा, जब वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में हो, तो इसके लिए हम क्या करें, लेट करेंगे
साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए और साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू बी। एक्स की वैल्यू आ जाएगी साइन ए और वाई की वैल्यू आ जाएगी साइन बी। और ए और बी दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं? साइन इनवर्स कब बनता है? जब वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू में होंगे दोनों, ए और बी। अब हम इन वैल्यूज को इसमें पुट कर देते हैं, साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई में इन वैल्यूज को हम पुट करते हैं, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? देखो इन दोनों को अगर ऐड करना चाहे तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ रही है, दोनों को ऐड करेंगे, ए की वैल्यू है माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, और ये तो दोनों ऐड होंगे तो माइनस पाई से पाई आ जाएगी वैल्यू ए प्लस बी। अब देखो साइन ए प्लस बी फाइंड आउट करेंगे हम, क्या होता है साइन ए प्लस बी? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। 11th क्लास में पढ़ाया था हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, कोस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी। ये ए ही तो है, ये बी है, ए प्लस बी है ये, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए साइन इनवर्स एक्स और बी। तो हमें इसको इधर ले जाना है, ये ले जाने के लिए ये जो एंगल है ये एंगल प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ले जाने का काम है, और उसके लिए कंडीशन दे रखी है। अगर ऐसा होगा तो ये फॉर्मूला होल्ड करता है कि एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर का सम 1 से लेस हो या फिर एक्स और वाई का प्रोडक्ट 0 से लेस हो, तो ये फॉर्मूला होल्ड करता है। तो साइन ए की वैल्यू तो एक्स हो गई, और ए कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट और फोर्थ में, उसमें कोस की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। तो कोस बी की वैल्यू होगी रूट वन माइनस वाई स्क्वेयर, साइन बी से आ जाएगी कोस बी की वैल्यू रूट वन माइनस वाई स्क्वेयर। कोस ए की वैल्यू साइन ए से आ जाएगी रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर, और ये हो गया वाई। तो यही बन गया, बस अब इनवर्स ले जाना है। उसके लिए हमें जो कंडीशन दे रखी है उनसे ले जाएंगे। इफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज लेस देन इक्वल टू वन हो, तो ये हम प्रूव करके दिखाएंगे कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में चलेगी वैल्यू। तो उसके लिए देखो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, वाई स्क्वेयर इज लेस देन इक्वल टू वन माइनस एक्स स्क्वेयर, और एक्स स्क्वेयर इज लेस देन इक्वल टू वन माइनस वाई स्क्वेयर। दोनों को लिख सकते हैं, दोनों चीजें हम इधर ले जाके, हम ए प्लस भी निकालना चाह रहे हैं, उसके लिए सब कुछ कर रहे हैं, ए प्लस भी बनाने के लिए। अब दोनों का प्रोडक्ट करते हैं हम, इसका और इसका प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट करेंगे दोनों का, तो वाई स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर इज लेस देन इक्वल टू वन माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू वन माइनस वाई स्क्वेयर, टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड, क्या बना है, वाई एक्स लेस देन इक्वल टू रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू वन माइनस वाई स्क्वेयर। स्क्वेयर रूट ले लिया, टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड। अब इसको इधर ले जाएंगे तो ये बनेगा हमारे पास रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू वन माइनस वाई स्क्वेयर माइनस एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये बन गया। अब ये किसकी वैल्यू है? रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर वैल्यू है कोस ए की, रूट वन माइनस वाई स्क्वेयर वैल्यू है कोस बी की, ये वैल्यू साइन ए की, ये साइन बी की, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये किसका फॉर्मूला बन रहा है? कोस ए प्लस बी का बन रहा है, कोस ए प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और कोस की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कहाँ होती है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है, और कहाँ होती है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। यहां पर माइनस पाई से पाई तक है, तो इसमें चारों क्वाड्रेंट हैं, तो कहाँ आ जाएगी? इसको देखते हुए ए प्लस बी की वैल्यू माइनस पाई से पाई है, इसको देखते हुए फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ में होगी, फर्स्ट और फोर्थ में होगी, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू को उसकी फर्स्ट और फोर्थ में होती हैं। तो वैल्यू कहाँ से कहाँ आ गई ए प्लस बी की? माइनस पाई बाई टू से लेकर पाई बाई टू तक, और ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है साइन की, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। अब इसका इन्वर्स बन जाएगा और क्या जाएगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट वन माइनस वाई स्क्वेयर प्लस वाई इंटू रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर। ए की जगह साइन इनवर्स एक्स और बी की जगह साइन इनवर्स वाई,
तो ये प्रूव हो गया, याद रखेंगे। इसी तरह से दूसरा पार्ट है इसका, और वाला कर लेते हैं हम। ये हमने क्यों किया भाई, हम ले रहे थे ए प्लस बी, वो लाने के लिए स्क्वेयर के अंदर हमने इसको इधर ले गए एक बार इसको इधर ले गए, दोनों का प्रोडक्ट किया, स्क्वेयर रूट किया, ये कोस ए प्लस बी बन गया। इससे हमें ये पता लग गया एंगल की वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में जा रही है, फर्स्ट और फोर्थ में जा रही है, जबकि यहाँ पर फोर के फोर क्वाड्रेंट है, माइनस पाई से पाई, तो कहाँ से कहाँ रह जाएगी, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है साइन की, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है तो उधर जाकर इनवर्स बना जाएगी। तो ये आ गया हमारा। अब अगर एक्स वाई लेस टू जीरो हो तो क्या कंडीशंस होंगी, एक्स वाई लेस टू जीरो कब कब होगा, जब एक्स टू जीरो हो एंड वाई क्या हो, लेस टू जीरो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो, दूसरा एक्स नेगेटिव हो और वाई क्या हो, पॉजिटिव हो। तो हमने पढ़ रखा है एक्स किसके इक्वल था, साइन ए के, और वाई किसके इक्वल था, साइन बी के, और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या कह रही है, माइनस पाई बाई टू से लेकर पाई बाई टू है ए की वैल्यू। तो यहां पर एक्स पॉजिटिव है तो साइन ए भी पॉजिटिव होगा, वो कब होगा, जब ए कौन से क्वाड्रेंट में हो, फर्स्ट में हो, जीरो से पाई बाई टू। इसी तरीके से ये नेगेटिव है वाई, और नेगेटिव साइन की वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में होगी, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अकॉर्डिंग, बी हमारा कहां से कहां तक था, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, तो बी की वैल्यू आएगी माइनस पाई बाई टू से जीरो, क्योंकि वाई क्या है, नेगेटिव। अब ए और बी को ऐड करके देख सकते हैं हम, दोनों को ऐड करेंगे तो फर्स्ट में फर्स्ट ऐड होगा तो माइनस पाई बाई टू, सेकेंड में सेकेंड ऐड होगा तो पाई बाई टू, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ गए वैल्यू। तो अगर एक्स वाई का प्रोडक्ट जीरो से लेस है और एक्स जीरो से बड़ा वाई जीरो से बड़ा, तो भी प्रिंसिपल वैल्यू में आ रहा है, वही फॉर्मूला काम करेगा। अब ये और देख लेते हैं इसके लिए भी, एक्स नेगेटिव है तो ए किस में बिलोंग करेगा, माइनस पाई बाई टू से जीरो, फोर्थ क्वाड्रेंट में। वाई ने पॉजिटिव है तो बी किस में बिलोंग करेगा, जीरो से पाई बाई टू, दोनों को ऐड कर देंगे, ए प्लस बी क्या आएगा, ऐड करेंगे तो माइनस पाई बाई टू प्लस जीरो, और जीरो प्लस पाई बाई टू क्या आ गया, पाई बाई टू। तो दोनों से प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में जा रही है वैल्यू साइन की में, तो उसका इनवर्स बन जाएगा, क्योंकि इनवर्स बनने के लिए जो एंगल है वो हमारा किस में जाना चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में, तो उसका इनवर्स बन जाएगा। तो ये थे हमारे केसेस साइन के लिए, साइन ए प्लस बी के लिए, इसी तरीके से साइन ए माइनस बी के लिए है, तो वो भी ऐसे ही करेंगे। अब नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर 11, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर रूट वन माइनस वाई स्क्वेयर इफ एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये है जैसे, अब की बार किसका फॉर्मूला बन रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक अकॉर्डिंग, कोस ए प्लस बी से बना है ये, क्योंकि कोस ए प्लस बी लिखेंगे तो कोस को इधर ले आएंगे, क्या बन जाएगा, कोस इनवर्स, और यहाँ ए प्लस बी रह जाएगा। तो इसको लेट करके चलेंगे, कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए, कोस इनवर्स वाई इज इक्वल टू बी, और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अकॉर्डिंग ए किस में बिलोंग कर रहा है, जीरो से पाई में, और बी भी किस में बिलोंग कर रहा है, जीरो से पाई में, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अकॉर्डिंग ए और बी दोनों, क्योंकि कोस इनवर्स है यहां पर। अब हम कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखेंगे, क्योंकि ये उसी से बन रहा है फॉर्मूला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, कोस ए प्लस बी होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। कोस ए की वैल्यू यहां से आ जाएगी, एक्स की वैल्यू होगी कोस ए और वाई की वैल्यू होगी कोस बी, इनवर्स इधर जाएगा तो हट जाएगा इनवर्स। तो कोस ए की वैल्यू एक्स है तो कोस बी की क्या है, वाई है, साइन ए की इसी से आ जाएगी, क्या आएगी, सोल्व करेंगे जब आएगी रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर, क्योंकि साइन ए किसके इक्वल होगा, साइन ए इज इक्वल टू रूट वन माइनस कोस स्क्वेयर ए, और इसी तरीके से साइन बी किसके इक्वल होगा, रूट वन माइनस वाई स्क्वेयर। तो ये वैल्यूज बन गई, बस अब हमें इनका इनवर्स बनाना है। इनवर्स कैसे बनाएंगे,
इनवर्स बनाने के लिए ये वैल्यू किस में जानी चाहिए? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में जानी चाहिए। हर क्वेश्चन में यही काम रहेगा हमारा। वैसे इनको जोड़ना चाहें तो यहाँ पर ए प्लस बी का सम क्या बनेगा? ए तो बिलोंग करता है 0 से पाई, बी बिलोंग करता है 0 से पाई, तो फर्स्ट में फर्स्ट ऐड होगा, ऐड करेंगे जब 0, और पाई में पाई ऐड होगा तो 2 पाई, तो 0 से 2 पाई हो गए ए प्लस बी। अब कंडीशन है, अगर ऐसा होगा तो ये फॉर्मूला होल्ड करेगा, तो इस कंडीशन से करेंगे एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू है कोस ए, वाई की वैल्यू है कोस बी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये प्लस का कोस बी उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, और माइनस कोस बी को हम ये लिख सकते हैं माइनस हटाने के लिए कोस पाई माइनस बी। देखो यहां पर ए और बी कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट और सेकंड में है, 0 से पाई तक है ए और बी की वैल्यू। तो मीन्स ये दोनों एंगल्स हैं ए और पाई माइनस बी, दोनों कौन कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं? फर्स्ट और सेकंड से बाहर नहीं है, और फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू घटती जाती है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है कोस। जो जो एंगल बढ़ाएंगे कोस की वैल्यू कम होती जाएगी। देखो कोस 0 पर वैल्यू 1 होती है, फिर 60 डिग्री पर 0.5 हो जाती है, फिर 90 पर 0, फिर सेकंड क्वाड्रेंट में 0 से कम नेगेटिव आने लग जाती हैं। तो मीन्स जो जो एंगल कोस के अंदर बढ़ेगा, एंगल बढ़ेगा वैल्यू घटेगी, उल्टा चलता है। तो यहाँ पर कोस ए की वैल्यू इससे ज़्यादा है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये एंगल इस एंगल से छोटा रहेगा, किससे? पाई माइनस बी से। यहां पर ए और बी किससे बिलोंग कर रहे थे? 0 से पाई, इसलिए ऐसा हुआ है, बिकॉज कोस एक्स इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन, कोस थीटा इज डिक्रीजिंग इन 0 से पाई, कोस की वैल्यू घटती जाती है, जो जो एंगल बढ़ाएंगे वैल्यू घटती जाएगी। अब ये वैल्यू बड़ी है और ये छोटी, इसका मतलब इसका एंगल छोटा होगा और इसका एंगल बड़ा होगा, उल्टा काम होता है डिक्रीजिंग का मतलब। 0 डिग्री पर देखो कोस की सबसे बड़ी वैल्यू होती है, एंगल 0 है, और 60 पर वैल्यू कम हो जाती है 0.5, 90 पर और कम हो जाती है पाई बाई 2 पर, तो जो जो एंगल बढ़ाते हैं कोस की वैल्यू घटती जाती है। तो ये वैल्यू बड़ी होने का मीनिंग ये है, बड़ी होने का मीनिंग ये है कि इसका जो एंगल है वो इसके एंगल से छोटा रहेगा, और माइनस बी इधर आकर प्लस का हो जाएगा, ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू पाई। जबकि वहां पर क्या है, ए प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 2 पाई, हमने ऊपर किया है डिस्कस वहां। तो इन दोनों बातों से ये कंक्लूजन निकला कि ए प्लस बी की वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच रहनी है, 0 से 2 पाई के बीच रहनी है, तो पाई से छोटी कहाँ तक रहेगी? 0 तक। तो हम लिखेंगे ए प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू पाई, और ए प्लस बी जो एंगल है वो 0 से पाई के बीच आ गया, तो ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ गया, और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ गया तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। तो क्या लिखेंगे, ए प्लस बी इज इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर रूट वन माइनस वाई स्क्वेयर। यहाँ पर ए और बी की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या वैल्यू है ए की? कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। नेक्स्ट इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें जो कंडीशन है वो इस तरह से है, सेकंड को डिस्कस करें तो हम इस तरह से करेंगे सेकंड को। कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस सॉरी इंटू रूट वन माइनस वाई स्क्वेयर। लेकिन कब होगी वैल्यू? जब इफ एक्स लेस देन इक्वल टू वाई। तो इसके लिए अभी हम वही करेंगे, कोस इनवर्स एक्स को क्या पुट कर लेंगे, वही मेथड है वहां तक। तो कोस इनवर्स एक्स ए कोस इनवर्स वाई बी, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एक्स इज इक्वल टू कोस ए और वाई इज इक्वल टू कोस बी, इनवर्स हटाएंगे तो ये हो जाएगा। ए और बी किस में बिलोंग करते हैं? दोनों 0 से पाई प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होंगे जब इनवर्स बनाया है इनका, क्योंकि इनवर्स बनने के लिए 1 1 1 2 होना चाहिए, तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होना चाहिए। अब यहाँ से ये बनेगा
ये किसका फॉर्मूला है? कोस ए माइनस बी से आएगा। कोस ए माइनस बी क्या होता है? कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये होता है। इधर कोस इनवर्स का मतलब कोस इधर से आया है, इधर से आने का मतलब कोस का इनवर्स बन गया, इनवर्स फंक्शन बने। तो वो इनवर्स बनाने के लिए इसको इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ले जाना पड़ेगा, और ये फॉर्मूला होगा कोस ए माइनस बी का। कोस ए की वैल्यू एक्स है, कोस बी की वाई, तो हम पीछे भी निकालते आ रहे हैं। साइन ए की वैल्यू क्या होगी? रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर, साइन बी की होगी रूट वन माइनस वाई स्क्वेयर। अब कंडीशन क्या है इसके ऊपर? एक्स लेस देन इक्वल टू वाई होना, जब ये फॉर्मूला लगेगा। ध्यान रखना है कि एक्स की वैल्यू वाई से लेस हो या वाई के इक्वल हो, तब ये फॉर्मूला होल्ड करेगा। तो इसको मैं प्रूव कर रहा हूं। एक्स की वैल्यू है कोस ए लेस देन इक्वल टू कोस बी, कोस ए लेस देन इक्वल टू कोस बी है, इट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं? देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन रहा है? ए प्लस बी। दोनों को ए और बी को अलग अलग लिख के ऐड करेंगे तो 0 से 2 पाई बन गया। सॉरी, ए माइनस बी चाहिए था, ए माइनस बी चाहिए इस एंगल के अकॉर्डिंग। तो ए की वैल्यू क्या है? 0 से पाई, अलग अलग कर लेते हैं, गलत हो जाएगा नहीं तो। बी की वैल्यू भी 0 से पाई है, तो माइनस बी बनाएंगे तो इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी। मीन्स इनक्वालिटी ऐसे बनी, माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई एंड लेस देन इक्वल टू 0। अब दोनों को ऐड करूंगा, मैं ऐड करूंगा तो क्या बनेगा? 0 माइनस पाई क्या बन गया? माइनस पाई। लेस देन इक्वल टू ए माइनस बी, लेस देन इक्वल टू पाई माइनस 0, तो ये वैल्यू आ गई ए माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई एंड लेस देन इक्वल टू पाई। तो ये वैल्यू आई है ए माइनस बी की। ए कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट और सेकंड में। बी भी फर्स्ट और सेकंड में। तो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि कोस की वैल्यू अगर कहीं छोटी है और कहीं बड़ी है तो उसके एंगल में उल्टा होता है। अगर कोस ए कोस बी से छोटा है तो ए ग्रेटर होगा, लेस होगा किससे? बी से। ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी होगा, क्योंकि उल्टा होता है। कोस कैसा फंक्शन होता है? डिक्रीजिंग। इस बी को इधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा ए माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और इसने कहा था कहाँ से कहाँ तक? माइनस पाई से पाई तक। तो माइनस पाई से 0 तक नहीं होगा इसके अकॉर्डिंग, दोनों से कंक्लूजन निकालेंगे तो। 0 से ग्रेटर कहाँ तक हो जाएगा? पाई तक। ए माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया और कहाँ एंड हो जाएगा? पाई पर। तो 0 से पाई तक आ गई वैल्यू ए माइनस बी की, और ये इकोस की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होती वैल्यू एंगल की। तो यहां से ए माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी कोस इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर रूट वन माइनस वाई स्क्वेयर। ए और बी की वैल्यू पुट कर देंगे, कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर वन माइनस वाई स्क्वेयर। तो ये प्रॉपर्टीज अगर हमें याद होंगी तो हम इजिली क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो इनको अच्छी तरह से याद करें, हम रिवाइज कर लेंगे, इनको बुक में दी हुई सभी अच्छी तरह से याद हो जानी चाहिए, फिर हम क्वेश्चंस को करेंगे एक्सरसाइज 2.2।